हरियाणा सिविल सर्विस क्षेत्र के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विसेज के दो एग्जाम एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 जो रद्द किए गए थे भ्रष्टाचार के एक मामले की वजह से, जिसमें एक का नाम डेंटल सर्जन क्लास सेकंड था और एक एचसीएस प्रीलिमिनरी 2021 एग्जाम था। इसकी डेट थी वो 19 जून आई थी, उसकी डेट आई थी 10 जुलाई, जिसके रिलेटेड हमने आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना दिया था। आज इसका एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो अनाउंसमेंट आई है वो आपसे शेयर कर लें, क्योंकि सेम अनाउंसमेंट हमको हरियाणा सिविल सर्विस के लिए भी मिलेगी। तो हम इस चीज़ को, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बता दूँ ये कहाँ मिलेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जब हम होम पेज पे अनाउंसमेंट सेक्शन में जाते हैं तो 9 जून 2022 को अनाउंसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन क्लास सेकेंड इन हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा, ये तो इसका नोटिफिकेशन है जो आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा, जिसको आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा जब हम इम्पोर्टेंट लिंक में एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो वेलकम टू द ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 19/6/2022। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कैंडिडेट लॉगिन आता है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछे जाते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। अगर आपने पासवर्ड किसी पब्लिक प्लेस पे यानी किसी साइबर कैफे वगैरह में लॉगिन किया है तो घर आके उसको चेंज करने का भी आपके पास ऑप्शन है, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी जो भूल गए हो आप, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में लगभग 75,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया था और फॉर्म भरे को काफी लंबा समय हो गया और वो अपनी एप्लीकेशन आईडी, लॉगिन आईडी भूल चुके हैं, वो कमेंट सेक्शन में बार बार इस चीज को पूछते भी है कि सर हम इसको एप्लीकेशन आईडी कहाँ से मिलेगी, तो इससे संबंधित वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। तो वीडियो की शुरुआत हम अनाउंसमेंट सेक्शन से करते हैं। इट इज हियर बाई अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट रिटर्न टेस्ट टेस्ट जिसके लिए होगा। पोस्ट का नाम आपको पता है, डेंटल सर्जन क्लास सेकेंड एडवर्टाइजमेंट 2/2021 थी। 19 जून को यानी आज से 6 दिन बाद, ये 10 से 1 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम है। 3 घंटे के अंदर इसको आपको सॉल्व करना है। एचसीएस की तरह इसके अंदर आपको सी सेट का कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड फॉर द लिंक प्रोवाइड ऑन द कमीशन वेबसाइट https://HPSC13/6/2022 को दोपहर 2 बजे, यानी आज 2 बजे, अब 2 बज रहे हैं तो अब आना शुरू हो गए हो एडमिट कार्ड। इसमें जो गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जो महत्वपूर्ण होगी, जो हमारे एचसीएस में भी एज इट इज लागू होने की उम्मीद है, उससे लेके एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है कि वो इसके मामले में क्या क्या कहते हैं। यहाँ जो दो छोटी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। इट इज मेड क्लियर दैट ऑल द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द अबो मेंशन पोस्ट आर प्रोविजनली अलाउड टू अपियर इन द रिटर्न टेस्ट। उनको एक बार अस्थायी रूप से रिटर्न टेस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ मिली या योग्यता पूरी नहीं की होगी तो उसको बाद में निकाला जा सकता है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू विल बी चेक्ड लेटर ऑन। जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे उनको बाद में एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी, तो कोई फर्जी अभ्यर्थी ना बैठे जिसने उस टाइम गलत कोई तथ्य लगाया हो, अब दिक्कत हो सकती है। आजकल इन चीज़ों में सीधी FIR लॉज होती है। नोट, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड दैट दे मे डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड टेक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ऑफ द सेम। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना और उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है। पिछली बार क्या था, हमने कलर प्रिंट भी लिए थे, कुछ बच्चों के देखे थे जो वहाँ सेंटर पे थे और उन्होंने कलर प्रिंट ही लाए थे। आज इन्होंने साफ मेंशन कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है। किस पे, A4 साइज में। छोटे प्रिंट पे आप ले जाओगे या लीगल पे ले जाओगे तो एक तो फोटो के फीचर्स बिगड़ जाते हैं, अक्षरों के फीचर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये A4 फॉन्ट के हिसाब से एडमिट कार्ड शेप किया गया है, तो फोटो बड़ी छोटी आने से पहचानने में दिक्कत होती है, जो सेंटर पे बड़ी भगदड़ मच जाती है इस चीज को। सो दैट दियर फोटोज एंड अदर पर्टिकुलर्स कैन ईजिली बी सीन वेरीफाइड की जा सके। कैंडिडेट हैविंग स्मॉल साइज एडमिट कार्ड, वही जो छोटे साइज के एडमिट कार्ड विद इलीगल फोटोज एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। जो इंस्ट्रक्शन है उनको वेरी केयरफुली पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। हम भी उससे लेकर जल्दी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सारी महत्वपूर्ण बातें शेयर की गई होगी।
अब हम आते हैं एचसीएस प्रीलिमिनरी 2021 का मामला, डेंटल सर्जन एडवर्टाइजमेंट 2-2021 थी। पहला सवाल, क्या ऑप्शन 5 आएंगे, यानी ए बी सी डी और ई। इसको लेके काफी यूट्यूबर्स ने काफी जानकारियां दी है, अच्छी अच्छी बात है, आप लोगों को घर बैठे नॉलेज मिल रहा है। तो जो ई ऑप्शन उनके लिए है जो नोट अटेम्प्ट था, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया सवाल को, ये ई ऑप्शन उनके लिए, तो ताकि बाद में कोई किसी का गोला भर के हेरफेर ना की जा सके। तो क्या एचपीएससी ने इस डेंटल एग्जाम में ई ऑप्शन जनरेट किया है, तो वो इंस्ट्रक्शन में, गाइडलाइंस में हमको पढ़ने से पता चल जाएगा। एचपीएससी ने क्या नए बदलाव किए हैं जिनसे जो पिछली बार गलती हुई और जिस गलती की वजह से भर्ती रद्द हुई, वो गलतियां फिर ना दोहराई जा सके। तो एचपीएससी ने जो जो बदलाव किए हैं वो गाइडलाइन के थ्रू हमको पता चलेंगे, तो हम उसको लेके भी आपको बता सकेंगे। विवाद के बाद नए सिरे से भर्ती का ये प्रारंभिक चरण है, यानी कहने का मतलब है डेंटल सर्जन भर्ती 19/6/2022 को हो रही है और एचसीएस भर्ती है वो 2 जुलाई 2022 को हो रही है। तो 10 जुलाई वाली जो परीक्षा एचसीएस है, अगर ये भर्ती सही प्रक्रिया सही तरीके से हो जाती है तो 10 जुलाई वाली भी अपने सही टाइम पे होगी। हालांकि दोनों जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि एचपीएससी बहुत परेशान हुई है, एचपीएससी की पूरी साख इस मामले को लेके खराब हो गई कि वो भर्ती सही नहीं करवा सकते, फेयर कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो एचपीएससी भी चाहेगा कि अच्छे से भर्ती हो, हम भी चाहेंगे अच्छे से भर्ती हो, ताकि अगली भर्ती भी, और ये दाग है जो एचपीएससी के दामन से पीछा छुड़ाए अपना। अब जो मेरा मेन बात था भाई, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर या लॉगिन आईडी जिन बच्चों को नहीं मिली है, यानी कि जो इस सेक्शन में कैंडिडेट लॉगिन में एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी जिनको याद नहीं है, वो क्या करें। इन्होंने तो देखो एडमिट कार्ड के साथ लॉगिन आईडी के लिए कुछ लिखा नहीं, तो पहली ऑप्शन, या तो उनको मैसेज आया होगा तो मैसेज के थ्रू उनको एप्लीकेशन आईडी बता दी होगी, अगर फिर भी नहीं बताए तो अब मेरा आपको सुझाव है, आप एचपीएससी के साथ जरूरी पत्राचार कर लें, क्योंकि 10 जुलाई को आज देखा जाए तो 27 दिन भी नहीं बचे हैं। फिर वो एचपी कमेंट सेक्शन में पूछते हो, सर मेरा एप्लीकेशन नंबर याद नहीं, हम क्या करें। एचपीएससी के साथ आप जरूरी पत्राचार करें, अगर आपको उसकी गति धीमी लगती है और आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती, आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय जा सकते हैं, प्रॉपर प्रक्रिया पूछ के, वहाँ उनके द्वारा भी मेरे को, मैंने जो अप्लाई किया था उसका एप्लीकेशन आईडी या लॉगिन आईडी नहीं मिल रहा, वहाँ उनकी जो भी प्रक्रिया होगी आधार नंबर से वो आपको फाइंड करके देंगे, या जो भी रहेगा उससे आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड तो दोबारा सेट किया जाएगा, वो तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा और उससे हम कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा ना हो, क्योंकि अब आज देखिए 13 जून है और 19 जून को पेपर, ये आखिरी के 6 दिनों में अब जिन लोगों को एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर नहीं पता और उनको एचपीएससी भागना पड़ेगा, तो उनकी तैयारी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, सिर्फ 6 दिन का समय मिला है। इसके अलावा अगर किसी का नेम गलत आ गया, फादर नेम मदर नेम कैटेगरी गलत आ गई एडमिट कार्ड में, उसको सही कराने के लिए भी जरूरी 6 दिन एचपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप एचपीएससी से संपर्क करें, शिष्टाचार पूर्वक उनसे पूछें, वो आपको जरूर बताएंगे। स्टूडेंट वेलफेयर में एचपीएससी काफ़ी काम कर रहा है, उसी की एक कड़ी ये है। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, गाइडलाइंस को लेकर अगला वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दिशा क्लासेज पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जरूरी जानकारी समय पे मिल सके।